तो आज मैं बात करने वाला हूँ बैकग्राउंड डांसिंग वर्क, कैसे आप बैकग्राउंड डांसिंग वर्क में अपना कैरियर को बना सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा जो आप उस चीज के ऊपर फॉलो कर आप बैकग्राउंड डांसिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला है इसमें जैसे कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। ओके, सीखते रहना चाहिए मतलब सबसे पहले आप जैसे कि अगर आप डांस में इंटरेस्ट रखते हो, ओके, जैसे डांस में अगर कैरियर बनाना है तो अगर डांस में अगर आप इंटरेस्ट है आपको, तो सबसे पहले तो आपको डांस एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पर आपको सीखना चाहिए अच्छे तरीके से। और ये नहीं कि अब वहाँ आप जा रहे हो और बस नॉर्मली बस क्लास किया, ये नहीं, ऐसे नहीं। एक माइंड अपना सेटअप करो कि हाँ मुझे अगर इस फील्ड में जाना है तो मुझे इतने दिनों तक इसमें टाइम देना है, क्योंकि समय तो लगता है। ओके, सबसे बड़ा है इसमें समय, आप किस तरीके से समय दे रहे हो। हाँ, अगर जैसे एकेडमी जा रहे हो और अगर आप अच्छे से गाइडलाइन के तरीके से आप सीख रहे हो और अच्छे से सिखाया जा रहा है और अच्छे से बताया जा रहा है, तो आप बेहिचक होकर के वहाँ अच्छे से सीखो और सीख करके फिर अपना फ्रेंड सर्किल में कोई एल्बम चल रहा हो वहाँ जाओ, वहाँ मिलो और मिल करके बताओ कि हाँ मैं भी डांस करता हूँ। ओके, और कुछ वीडियोस बना लो आप, ठीक है, वीडियोस बना करके फिर लोगों को पहुँचाओ, अपना वीडियो दिखाओ। हाँ, जैसे कि अगर आप डांस मतलब कि आप कर लिए, ओके, अब डांस एकेडमी आपने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आप डांस सीख गए, तो डांस सीखने के बाद अब क्या करें, कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ एल्बम किस जगह पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है एल्बम, कि हम उसमें वर्क करें। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो एल्बम करते हैं जैसे स्टूडियो, जैसे कि डांस स्टूडियो हो गया, वहाँ पे भी लोग पूछते हैं एल्बम वगैरह का वर्क होता है या नहीं होता है, आप पूछ सकते हैं वहाँ कि सर एल्बम का वर्क होता है या नहीं होता है। ओके, तो आप वहाँ से भी बैकग्राउंड डांसिंग का काम कर सकते हो। ओके, आप बैकग्राउंड डांसिंग काम कर रहे हो तो ये नहीं कि अब वहाँ आप पूछोगे कि कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा और कहाँ कहाँ जाना है, ये सब आपको भूलना पड़ेगा। पहले तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम करना होगा, क्योंकि अपने टैलेंट को दिखाना है आपको, ठीक है, अपने टैलेंट को दिखाना है। अगर आप अपने टैलेंट को दिखाओगे तब तो फिर और भी वर्क आपको मिल पाएगा, तब तो आपको वर्क मिलेगा। अगर आप टैलेंट को नहीं दिखाओगे तो फिर आपको वर्क नहीं मिलेगा। और हाँ, इसमें आपको कम से कम अगर एल्बम कर रहे हो तो 6-7 महीना अगर आप इसमें टाइम दो, लेकिन हाँ कंटिन्यू टाइम देना होगा आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप एल्बम में गए और एल्बम में वर्क किए, फिर वहाँ से आपका फ्रेंड सर्किल बना, फिर वो उनसे बोलिए कि मुझे अगर फ्रेंड्स अगर मुझे मुझे भी एल्बम में वर्क करना है, अगर तुम्हारे पास कोई काम आता हो तो ज़रूर मुझे बताओ एल्बम में वर्क के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, है ना। उनको बोलिए, अपने दोस्त को अपने फ्रेंड को कि भाई अगर तुम आज इस एल्बम में आए हो और भी अगर ऐसा एल्बम हो काम करने के लिए तो मुझे याद करो और मैं भी करना चाहूँगा और बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। तो उससे क्या होगा ना कि पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे, जिससे क्या होगा कि आपका हैबिट बनेगा, हैबिट बनेगा तो फिर आप सीखोगे, सीखोगे तो फिर आप एक एक्सपीरियंस बंदा बनोगे, एक्सपीरियंस बंदा बनने के बाद फिर कोई भी आपको हायर करेगा तो फिर आप उसको चार्ज करोगे कि हाँ मैं डांस इतने सारे एल्बम में मैंने किया है, अब मेरा ये चार्जेस है, चार्जेस इतना आपको पे करना होगा। तो इस तरीके से आप अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अब बैकग्राउंड डांसिंग वर्क कर रहे हो तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि कंटिन्यू 3-4 साल अपना समय दे देते हैं और समय को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, ऐसा मत करना। ओके, सीखो बैकग्राउंड डांसिंग वर्क करते समय में भी आप ध्यान रखो कि मुझे और आगे तक काम करना है, तो आप ये चीज सीखो कि किस तरीके से कैमरा एंगल हो रहा है, किस तरीके से शूट किया जाता है, एल्बम कैसे बनता है, ओके, क्या क्या एंगल का शॉट होता है वीडियो का। तो आप बैकग्राउंड डांसिंग वर्क करते हुए में भी ऑन द स्पॉट शूट के समय आप ये चीज भी सीख सकते हो, ठीक है। और ये चीज का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप एक कोरियोग्राफर भी बन सकते हो आगे चल करके, फिर आपका लेवल बैकग्राउंड से फिर लेवल हाई हो जाएगा, फिर आप कोरियोग्राफी करना स्टार्ट कर दो। और कोरियोग्राफी भी अगर आप करते हो तो उसको भी आप कम लेवल का पहले स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अपना लेवल हाई करो, तो वर्क आपका इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब अपना एक और मैं बात बता रहा हूँ, प्रोफाइल। अब देखो प्रोफाइल कैसे बनाना, जैसे मान लीजिए कि आप डांस कर रहे हो, बैकग्राउंड डांसिंग आपने चूज किया, फिर बैकग्राउंड डांसिंग करते वक्त में आपने सारा कुछ सीखा कि किस तरीके से मुझे
कैमरा चलाना है, किस तरीके से मुझे कैमरा कैमरा एंगल होता है, किस तरीके से वाइड शॉट होता है, मिडल शॉट होता है, अब बहुत सारे मतलब की होते हैं शूट। तो आप जब उसके अंदर काम करोगे ना, तो खुद पे खुद आप समझ जाओगे कि कैसे करना होता है। ओके, फिर उसके बाद आप कोरियोग्राफी में उतर जाओ, फिर कोरियोग्राफी करते करते फिर आप बड़ा प्रोजेक्ट करने लगोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना होगा। आप सोचोगे कि डायरेक्ट हमको बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, जब डायरेक्ट हमको मूवीज में वर्क हो जाए, तो ऐसा होता है, बट लेकिन वैसा लिंक होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपके पास लिंक अच्छा है तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन उससे पहले आपके पास अच्छा टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट रहेगा तो कहीं पर भी आपको वर्क मिल सकता है। ओके, और इसमें समय देना होता है। ओके, अब ये सोचोगे कि अब मैं डांस सीखा और एक साल के अंदर मैं अपना कैरियर बना लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें टाइम देना होगा, वर्क करते रहना होगा, आपको इसको पैशन बनाना होगा कि हाँ हमको इसमें हमको कंटिन्यू वर्क करना है। ओके, तब जाकर के आपको सफलता प्राप्त होगा। ओके, अब इसमें हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि अगर जैसे कहीं वर्क कर रहे हो आप, ठीक है, बैकग्राउंड वर्किंग डांसिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो तो कंटिन्यू अब वर्क वही वर्क में मत रहो, ठीक है, कि हाँ बैकग्राउंड अब हीरो आ रहा है उसके पीछे, फिर नाच रहे हैं, फिर पूरे दिन भर हम उसको डांस किए और 1500 रुपये कमा करके फिर हम चले गए। ओके, यही मिनिमम होता है। थोड़ा हाई प्रोफाइल का बजट होता है तो 4-5 हज़ार रुपया, अगर नॉर्मल बजट है तो 1000 या 1500 रुपये आपको पूरे दिन भर के मिल जाती है, साथ में खाना वाना भी हो जाता है, तो ठीक है। बट लेकिन आप अगर कंटिन्यू यही वर्क करते रहोगे तो आपका तो समय तो खत्म हो रहा है ना। आप करते हुए वक्त में कुछ अलग अलग तरीके सीखें, है ना, कुछ नया नया आप कोरियोग्राफी करना सीखें, ऑन द स्पॉट पे जब हो तो कैमरे मैन के साथ में रहिए, वहाँ पे खड़े रहिए, जब आपका वर्क नहीं हो तो आप उनके साथ खड़े रहो, वहाँ कैसे वो एंगल बना रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, उनका सीखो, आप समझो कि कैसे हो रहा है वो चीज़, तब जा कर के आप एक एक्सपीरियंस बनोगे। क्योंकि आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो अगले एक साल के बाद आप भी वो चीज़ कर सकते हो। ओके, और फिर वो चीज़ करने के बाद फिर आपसे भी लोग फिर जुड़ना स्टार्ट करेंगे, खुद आप भी अपना एक प्रोफाइल बना लोगे कि आई एम डांसर, आई एम कोरियोग्राफर, एल्बम निकालता हूँ, ये चीज़ है। ओके, और तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अब इसमें आपको समय देना होगा। ओके, इसलिए खुद पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे इस फील्ड में कैरियर बनाना है, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला अपना प्रोफाइल बनाना है, दूसरा लिंक भी बनाना है, लोगों से मिलते रहना है, कहना है कि हाँ मुझे डांस आती है, मैं डांस में वर्क करना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड डांसिंग वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है। तीसरा हमेशा सीखते रहना है आपको, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे हमेशा सीखते रहना है। ओके, और देन आपको ऐसा लगे, आप कॉन्फिडेंस अगर आ जाए आपको कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर मार्केट में आप भी उतर सकते हो। ओके, थोड़ा कम बजट के साथ उतरना है, थोड़ा कम फीस, जैसे मार्केट में अगर फीस है 4000-5000 अगर कोरियोग्राफर की फीस है, तो आपको कुछ तो कम करके चलना होगा ताकि आपके पास काम आए। अगर आपके पास काम आएगा, आप उसको अच्छा से दिखाओगे, तो ऑलरेडी और भी क्लाइंट आपके पास ज्वाइंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ज्वाइंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप अच्छे से वर्क भी करते रहोगे और आपको अच्छा से मन भी लगेगा काम करने में, मज़ा भी आएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर और भी किसी तरीके का डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये था आज का कुछ बैकग्राउंड डांसिंग के लिए कुछ हमारा संदेश। ओके, अब भी इस बातों पे फॉलो करो और अपना कैरियर को अचीव करो। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका कैरियर डेवलप हो, और इसी तरीके से वर्क करते रहिए। ओके, और आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कुछ। और हाँ, ये कह देता हूँ आपको, अगर आप डांसर हो तो अपना एक डांस का वीडियो मुझे आप सेंड कर सकते हो, मैं अपने चैनल पे उसको अपलोड करूंगा, लेकिन अच्छा डांस होना चाहिए। दिए गए नीचे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में करके भेजोगे। ओके, 1 मिनट तक का।